हाय स्टूडेंट, आई एम सुशांत सर और आज हम लोग लेक्चर फोर को कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर फोर को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को एक बात जरूर कर देना चाहते हैं कि जिन्होंने अब तक लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा, काइंडली वो लेक्चर 1, 2, 3 को जरूर देखें ताकि आप एक सीरियल से अपनी पढ़ाई को कर पाए। ओके, तो पिछले लेक्चर 3 में मैंने बताया था आपको सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डिसएडवांटेज क्या है, किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जानते हैं कि बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम लोग एक साथ इन टू इन ज्वाइन करते हैं। उसका नुकसान यह है कि सभी जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा रहता है उनमें फ्लो होने वाला जो करंट होता है वो सेम होता है, जो अच्छी बात नहीं है क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रिकल गैजेट का करंट रिक्वायरमेंट अलग होता है, लेकिन यहां तो सेम करंट फ्लो करता है। तो एक डिसएडवांटेज सेकंड कि यदि एक कंपोनेंट फेल हुआ सारा काम करना बंद, क्योंकि एक के फेल हो जाने से करंट जो होगा वो फ्लो करेगा ही नहीं, बाकी में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो एक के फेल हो जाने से सारा काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है कि इसका जो सर्किट रेजिस्टेंस होगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, वो काफी हाई हो जाएगा। यानी सर्किट में जितने सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सबको मिला के बनता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। अब आ जाइए एडवांटेज, तो हम लोग क्या करें, किस कॉम्बिनेशन को यूज करें अपने घर में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस्ट है। क्यों? पहला यह है कि इच गैजेट ड्रॉस एप्रोप्रिएट करंट। हर गैजेट का जो करंट रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, तो हर गैजेट को मिलने वाला जो करंट है वो एप्रोप्रिएट करंट मिल जाता है। सेकंड है कि इच गैजेट गेट्स कंसिस्टेंट वोल्टेज, तो हर गैजेट को मिलने वाला वोल्टेज क्या होता है, कंसिस्टेंट मिलता है, उसको एक कंसिस्टेंसी से वोल्टेज मिलता रहता है। किसको? हर इलेक्ट्रिकल गैजेट को। तो वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करेगा। थर्ड, सेपरेट ऑन ऑफ स्विच, यानी हर गैजेट का जो ऑन ऑफ स्विच होता है ना, जैसे कि आपका फैन का अलग स्विच है, बल्ब का अलग स्विच है, टीवी का अलग स्विच है, वो अलग अलग स्विच यूज होता है, यानी सेपरेट स्विच रहता है। सीरीज में एक ही स्विच जिससे सारे काम करेंगे, लेकिन पैरेलल में सेपरेट स्विच होता है, और यह सिंपल, सेफ और रिलायबल है। सिंपल, सेफ और क्या है, रिलायबल है। अब मेरा पॉइंट उठता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या इलेक्ट्रिक करंट से हीट पैदा होता है? हाँ होता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। मान लीजिए व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर इट कोलाइड्स द एटम एंड आयन ऑफ द कंडक्टर, एंड ड्यू टू कॉलिजन सम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू एटम ऑफ द कंडक्टर। कुछ क्या हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा। एनर्जी का ट्रांसफर किससे हुआ, तो इलेक्ट्रॉन से किसमें हो गया, एटम में। तो एटम स्टार्ट टू वाइब्रेट, तो जो कंडक्टर का जो एटम होगा वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा, उसके वाइब्रेशन से कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इसके टेम्परेचर के बढ़ने से ही तो हम लोग कहते हैं, बढ़ने के कारण ही तो हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, तो करंट के कारण। तो इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं कि एक जो लो रेजिस्टेंस वाला कंडक्टर है उससे कितना स्मूथली करंट जा रहा है, हाँ उससे करंट जा रहा है इजिली, तो इसमें ज्यादा कोलिजन नहीं हो रहा है। लेकिन जब यही करंट हाई रेजिस्टेंस वाले वायर से होकर के जा रहा है तो देखिए यहां किस तरह कोलिजन हो रहा है, टकरा रहा है। अब यहां कोलिजन भी हो रहा है, हीट का ट्रांसफर भी हो रहा है, तो यही तो हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पिछले चैप्टर में कहा था आपको कि हाई, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहा था सॉरी, कि हाई रेजिस्टेंस जैसे नाइक्रोम है, मैगनीन है, कॉन्स्टेंटन है, तो ज्यादातर तो नाइक्रोम का यूज होता है अलॉय, तो उनसे जब करंट फ्लो करता है तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर पैदा होता है, उसमें कॉलिजन होता है, इसीलिए उसका यूज ज्यादा होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए आप किस तरह एक ब्रेड टोस्टर जो होता है उसमें से ब्रेड जो होता है टोस्ट होकर के बाहर आ रहा है, देख रहे हैं गैस किस तरह बाहर आ रहा है। तो ये बता रहा है कि भैया ये क्या है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बना हुआ एक एप्लायंसेस है, यानी एक ऐसा गैजेट है जो इस थ्योरी पे काम करता है। जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब है, उसका फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, कितना ज्यादा, इतना ज्यादा होता है, और वो क्या करता है, तो हीट पैदा करके देखिए किस तरह ग्लो हो रहा है। उसी तरह आपका इमल्सन रॉड है जिससे आप पानी गर्म करती हैं, वो तो और भी ज्यादा
गर्म हो जाता है और कितना ज्यादा हीट पैदा करता है, कितने कम समय में आप पानी गर्म कर लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हीट पैदा कर रहा है इमल्सन रॉड। तो इस तरह हीटर, बल्ब, इमल्सन रॉड, ये सारे क्या हो गए? हीटिंग एप्लायंसेस, हीटिंग गैजेट, ओके, जो किस थ्योरी पे काम कर रहे हैं, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। स्टूडेंट, अब हम लोग डेरिवेशन ऑफ हीट एनर्जी को समझते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है, हीट एनर्जी आपका, उसका डेरिवेशन हम लोग किस तरह फाइंड करें? तो याद होगा आप लोगों को, मैंने पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो वर्क डन टू फ्लो चार्ज क्यू थ्रू द रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर से जब क्यू चार्ज को हम लोग फ्लो करते हैं तो क्या वर्क डन होता है? तो डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू फॉर्मूला होता है। अब वी इक्वल टू आई आर होता है किस फॉर्मूले से? ओम्स लॉ से, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर टू में बताया था, ओम्स लॉ कि वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो अब हम लोग डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, वी का वैल्यू क्या हो गया? आई आर इंटू क्यू। अब क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी, चार्ज का फॉर्मूला जो लेक्चर वन में बताया गया था, क्यू इक्वल टू होता आई टी। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया आई आर गुने आई टी, तो आई को आई से गुना किया, आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में पैदा हुआ? तो हीट के फॉर्म में। ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस हुआ? तो हीट के फॉर्म में। तो वर्क डन इज प्रोड्यूस एज हीट, देयर फॉर एच डब्ल्यू इक्वल टू एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इसे ही तो हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं भाई क्या है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर का, यानी जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ज्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होगा। सेकेंड आर का, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होगा। और थर्ड है टी का, तो जितना देर तक आपका करंट फ्लो करता रहेगा उतना ज्यादा हीट बनता रहेगा। तो समझ गए आप जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू हो गया W बाई टी, ठीक। और W इज इक्वल टू क्या होता है? 1 जूल, और ये क्या हो गया? 1 सेकेंड। तो ऐसा यूनिट जो बनता है पावर का, ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है वाट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, और इसका बिगर यूनिट होता है किलोवाट, ओके। तो अब आप जैसे देख लीजिए वो 1 वाट का क्या डिफिनेशन हुआ। तो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, इट इज कॉल्ड 1 वाट। तो जब हम लोग 1 जूल वर्क करते हैं 1 सेकेंड में, तो इसको क्या कहते हैं? 1 वाट। अब देखिए इसके कितने सारे फॉर्मूले तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं आपका P इक्वल टू है W बाई टी, राइट। तो P इक्वल टू आपका दिया हुआ है W बाई टी, तो W बराबर याद होगा आपका फॉर्मूला V इंटू क्यू बाई टी। और आप जैसे देखिए ये जो Q बाई टी है ना, इसे आप I कर ले, क्योंकि I बराबर होता है Q बाई टी, तो V इंटू आई बन गया। चूंकि आपका Q बाई टी का फॉर्मूला क्या होता है? आई होता है। तो आप समझ गए, ओके तो P इक्वल टू हो गया V इंटू आई। फिर आ जाइए आपका ओम्स लॉ से V बराबर आई आर, चूंकि V इक्वल टू आई आर हुआ, तो P बराबर आपका बन गया आई स्क्वायर आर, हो गया आपका आई स्क्वायर आर तैयार। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, आपका एक फॉर्मूला ये तैयार, यहां एक फॉर्मूला तैयार आपका। अब आ जाइए आपका जो थर्ड फॉर्मूला बनेगा वो किस तरह बनेगा। तो अब P इक्वल टू यहां था आपका V इंटू आई, तो आप लिख सकते हैं I बराबर V बाई आर, तो ये बन गया V स्क्वायर बाई आर। तो इस तरह देखिए कितने सारे आपके फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। तो आपका तैयार हो गया V स्क्वायर बाई आर, ओके। तो ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला P का, ये लीजिए आपका थर्ड फॉर्मूला तैयार P का, V स्क्वायर बाई आर।
तो इस तरह पावर का अलग 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 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और एक चीज आपको बता दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में क्या रिलेशन है? तो E बराबर होता है पी इंटू टी, ई बराबर पी इंटू टी, यानी ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइए किस तरह, तो E बराबर पी इंटू टी हो गया। तो आपको पता है कि आपका जो P होता है ये तो W बाई टी है, तो टी टी कैंसिल, तो ये आ गया वर्क डन। किसके कारण? वर्क डन भी तो एनर्जी के कारण ही, बिना एनर्जी का तो वर्क डन हुआ नहीं था। तो E बराबर W, तो E बराबर P इंटू टी, इस तरह रिलेशन बन गया किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड जूल, आखिर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी और जूल में रिलेशन क्या है। तो देखिए एक चीज आपको बता दें कि ये जो कॉमर्शियल यूनिट होता है ये वही यूनिट है जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है उसका रीडिंग लेता है। ये वही कॉमर्शियल यूनिट है, ठीक है, जिसका हम लोग पे करते हैं कि चलिए इतना एनर्जी कंज्यूम किया तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हम लोग पैसा पे करते हैं। तो अब है कि ये जो होता है आपका जो यूनिट है वह है 1 BOTU, BOTU दैट मींस बी रिप्रेजेंट करता है बोर्ड को, ओ से ऑफ, टी से जो होता है ट्रेड और यू से यूनिट, तो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो भाई ट्रेडिंग जिस यूनिट, ट्रेडिंग जिस यूनिट में हम लोग करते हैं उसका जो बोर्ड है वो किसके इक्वल में होता है? तो वन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट होता है 1 KWH के बराबर। दैट मींस जब हम लोग एक घंटे में 1 KW का यूज करते हैं तो उसे कहते हैं 1 KWH। तो 1 KW जो होता है 1 KW, किलोवाट, मेगावाट, ये सब यूनिट हो गया इसका। तो 1 KW जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। तो 1000 वाट इंटू 60 इंटू 60, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हो गया 36 × 10⁵। अब इसे जब हम साइंटिफिक नोटेशन में राइट करते हैं तो 10 से डिवाइड करते हैं और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 36 में जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो आता है 3.6, और ये 10 और 10⁵ मिलकर हो जाता है 10⁶ जूल। तो इस तरह देखिए आपका रिलेशन आ गया कॉमर्शियल यूनिट और जूल में क्या रिलेशन है वो आ गया। तो दैट मींस 1 कॉमर्शियल यूनिट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। अभी क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप लोगों को 10 सेकंड का समय मिलेगा। एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो एक करंट टेक करता है 5 एम्पियर का और उसमें सप्लाई होने वाला वोल्टेज है 220। तो 220 वोल्टेज पर वो 5 एम्पियर करंट ले रहा है, तो आपको निकालना है कि वो हीटर 10 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो फॉर्मूला नहीं आया दिमाग में, अब फॉर्मूला सेट कीजिए। आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? H इक्वल टू VIT, जब V रह दिया हुआ तो V का यूज कर लेंगे, तो V आपका दिया हुआ 220 और I दिया हुआ 5 एम्पियर और T दिया हुआ आपका 10 मिनट। इससे हम लोग क्या कर लेंगे? तो 220 × 5 × 10 × 6 = 60। इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 66 × 10⁴। अब इसे आप 10 से डिवाइड कर लें और 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाएगा 6.6 × 10⁵ जूल। समझ गए? तो हम चाहते हैं कि आप इस तरह ढेर सारे क्वेश्चंस का, आज आपका लेक्चर 4 कंप्लीट हो गया, आप ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें अपने घर पे। पूरी जो लेक्चर 1, 2, 3, 4 है उसे पूरे देखें वीडियो को, ताकि आपके समझ में आवे। और मैंने पहले ही लेक्चर 1 में PDF डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप सभी से बार बार कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, उतना ज्यादा पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए अब लेकर के आने वाले हैं मैग्नेटिज्म चैप्टर, ताकि आपका जो फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए। तो मैग्नेटिज्म चैप्टर हम आप लोगों का स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे लेक्चर 1, 2, 3, 4 सभी को बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक दें। ओके?